हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें आपको सेल्स बिल में टर्म्स एंड कंडीशन किस तरीके से ऐड करते हैं ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेरी ऐड की है। हर एक कंपनी के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन मैंने किस तरीके से ऐड की है ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये जो डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन होता है वो हमारा टेली के अंदर डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये डिक्लेरेशन जहाँ पे सेट होता है वहाँ पे हमें टर्म्स एंड कंडीशन को ऐड करना होता है। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा कि ये जो डिक्लेरेशन है उसको आपको एक वर्ड की फाइल के अंदर आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड की फाइल ली है और उसमें डिक्लेरेशन जो भी टाइप किया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है और उसके नीचे मैंने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को सेट कर दिया है। टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है और यहाँ पे मैंने जो भी मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंने वन बाय वन यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो अभी इसको यहाँ से आपको कॉपी करके आपको टेली के अंदर पेस्ट करना होगा। कहाँ पर पेस्ट करना होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन टाइप कर दी है और फिर उसको यहाँ से पूरा कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जो भी आपका सेल्स वाउचर टाइप है उसमें आपको अल्टर करना है। तो वाउचर अल्टर करने के लिए आपको पता है कि अल्टर में जाके हम लोग वाउचर टाइप में जाके अल्टर कर सकते हैं या फिर जो भी आपका वाउचर ओपन होगा उसमें आप डायरेक्ट अदर वाउचर में जाके कंट्रोल एंटर से भी आप वाउचर टाइप में अल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जाना होगा सेल्स अल्टर डिक्लेरेशन में। तो यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेरेशन डिफ़ॉल्ट लिखा रहता है, तो हमें क्या करना है, हमारा डिक्लेरेशन जो है उसको भी प्रिंट में चाहिए और जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी यहाँ पे प्रिंट में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हमने वर्ड में टाइप किया होगा उसको कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। तो आप पेस्ट कर देना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिक्लेरेशन भी है जो डिफ़ॉल्ट था वो भी प्रिंट में आ रहा है, टाइटल भी हमारा टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है और जो भी हमने टर्म्स एंड कंडीशन सेट की थी वो भी प्रॉपर सेट हो गई। तो उसको सेव कर लेना है कंट्रोल से। और अभी इसके बाद अगर आप बिल में प्रीव्यू चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस तरीके से ये टर्म्स एंड कंडीशन लाइन वाइज लाइन आपको आएगा। कोई एक सिंगल टर्म्स अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है और इसके बाद अगर हम लोग इसको कॉपी करते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से प्रिंट में आएगा। यहाँ पे आपको स्पेस बढ़ा के एडजस्ट कर देना है और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है। तो अभी अगर इसका हम लोग प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप टर्म्स एंड कंडीशन को सेट कर सकते हो। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाते रहता हूँ और आपके साथ सेट करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।